हेलो एवरीवन, मायसेल्फ मंगेश धर्मे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। टुडे वी सी द प्रॉब्लम ऑन शाफ्ट। इन प्रीवियस लेक्चर वी सी इंट्रोडक्शन टू शाफ्ट। द लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर आर स्टूडेंट आर एबल टू डिजाइन शाफ्ट। The various program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10, PSO1, PSO2 and PSO3. These are the program specific outcome achieved. नाउ अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले क्या याद रखना है, ऑल दीज फॉर्मूला। जैसे आपने पहले भी देखा है डिजाइन ऑफ शाफ्ट में, डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, तो जिसमें ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टी बाय जे इज इक्वल टू सी थीटा और जी थीटा डिवाइड बाय एल। ओके, तो ये फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काम में आने वाले हैं। तो फॉर्मूला है आपने टॉर्शनल इक्वेशन देखा था, टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। तो इसी से ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे अभी। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपने यहाँ पे निकाला था टाउ की वैल्यू, दैट इज टाउ इज इक्वल टू 16 टी अपॉन पाई डी क्यू। तो दिस फॉर्मूला इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग ऑफ द शाफ्ट। तो ये फॉर्मूले भी पूरे अपने कॉपी में नोट डाउन करो। देन नेक्स्ट, शियर स्ट्रेस फॉर द हॉलो शाफ्ट क्या रहता है, टाउ इज इक्वल टू 16 टी अपॉन पाई डी जीरो क्यूब इंटू 1 माइनस के रेस टू द पावर 4। तो यहाँ पे के क्या है, के इज डी आई अपॉन डी जीरो, मतलब इनसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट टू द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फोर। तो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला दैट वी हैव टू बी रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन द शाफ्ट is design a shaft to transmit power from an electric motor to a lathe headstock to a pulley by means of belt drive. Okay, the pulley weighs 200 newton is located at 300 mm from the center of bearing. मतलब आपको क्या दिया, एक bearing है, bearing से 300 mm पे एक pulley locate है जो power किसको transfer कर रही है, head lathe headstock को through a pulley। मतलब यहां से पावर कहां पे ट्रांसफर हो रहा है, टू द लेथ हेड स्टॉक। ओके, द डायमीटर ऑफ द पुली इज 200 mm, मतलब ये पुली की जो डायमीटर है कितने गिवन है आपको, 200 mm। तो मैं यहां पे लिख लूंगा पुली का डायमीटर, डायमीटर ऑफ पुली इज इक्वल टू 200 mm। और ये पुली का वेट कितना है, दैट इज अ 200 न्यूटन, वेट ऑफ पुली इज इक्वल टू 200 न्यूटन। द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड इज 1 किलोवाट एट 120 रोटेशन पर मिनट। तो पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, 1 किलोवाट, और स्पीड कितनी है, 120 रोटेशन पर मिनट। द एंगल ऑफ लैप ऑफ द बेल्ट इज 180 डिग्री, मतलब ये जो पुली पावर ट्रांसफर कर रही है तो एंगल ऑफ लैप मतलब बेल्ट और इसका कांटेक्ट कितने डिग्री पे आ रहा है, 180 डिग्री पे, मतलब ये वर्टिकली पावर ट्रांसफर कर रही है। तो थीटा कितना गिवन है आपको, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली इज 0.3, मतलब म्यू की वैल्यू गिवन है आपको 0.3। द अलायबल शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट में बी टेकन एज अ 35, मतलब टाउ की वैल्यू जो गिवन है वो कितने गिवन है आपको, 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, नाउ सबसे पहले आपको क्या निकालना है यहाँ पे, अभी यहाँ पे डायमीटर ऑफ पुली 200 है, मतलब रेडियस ऑफ पुली कितनी होंगी, 100 mm। ओके,
तो सबसे पहले स्टेप रहती है फाइंड टॉर्क, तो आपको पावर गिवन है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, 2πNT डिवाइड बाय 60। तो पावर कितना गिवन है आपको, 1 kW, दैट इज अ 1 × 10³ इज इक्वल टू 2π × N की जो वैल्यू गिवन है आपको 120 है, दैट इज अ 120 × t अपॉन 60। दैट्स वाई t कितना होगा आपका यहाँ पे, अभी t इज इक्वल टू 1 × 10³ × 60 डिवाइडेड बाय 2π × 120। तो अभी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, टॉर्क की वैल्यू मिलेंगी, निकाली दैट इज अ 1 × 10³ × 60 डिवाइडेड बाय 2π × 120। ओके, तो पावर जो टॉर्क जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है, 79.577, दैट इज अ 79.577 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 79.577 इंटू 10³ न्यूटन mm, दैट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। नाउ अब ये जो पुली जो दिख रही है, पुली कहाँ पे पावर ट्रांसफर कर रही है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें भी क्या रहेगा, टेंशन इन द टाइट साइड दैट इज अ T1, टेंशन इन द स्लैक साइड दैट इज अ T2। तो ये कैसे रहता है, ये पुली है, ये दूसरी पुली है, ये बेल्ट से क्या कर रही है, पावर ट्रांसफर कर रही है। तो इस डायरेक्शन में पावर ट्रांसफर होगा तो ये क्या होगा, T1, दैट इज अ टेंशन इन द टाइट साइड, और ये क्या होगा, टेंशन इन द स्लैक साइड, दैट्स व्हाई T1 एंड T2। ओके, तो अभी यहाँ पे जो टॉर्क ट्रांसफर होगा ये कैसे निकालते हैं, T1 - T2 × radius। ओके, दैट्स व्हाई अभी मुझे टॉर्क निकालना है पुली का। तो अपन ने इसके पहले के प्रॉब्लम में भी देखा है, दैट्स व्हाई टॉर्क T = T1 - T2 × radius of pulley। एंड द सेकंड इक्वेशन क्या रहता है, T1 / T2 = e^(μθ). तो T1 / T2 = e^μ, की वैल्यू गिवन है आपको 0.3, थीटा इज अ पाई, दैट्स वाई ये कितना होगा, शिफ्ट ऑफ e^0.3 × shift π 2.566, कितना होगा ये 2.566, दैट्स वाई T1 कितना होगा आपका 2.566 × T2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, दैट्स व्हाई इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन 2 क्या होगा आपका, T = T1 - T2 × RP। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, टी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, देखिए टी की वैल्यू आई है 79.577 × 10³ × T1 की वैल्यू कितनी है, 2.566 × T2, दैट्स व्हाई एम राइटिंग हियर 2.566 × T2 - T2 × RP की वैल्यू जो है वो कितना है, रेडियस ऑफ पुली दैट इज 100 mm, दैट्स व्हाई एम राइटिंग हियर 100 mm। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 79.577 × 10³ इज इक्वल टू 2.566 - 1, मतलब 1.566 × T2 × 100। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन जो T2 मिलेगा आपको, ये कितना मिलेगा निकालिए अभी, 79.577
577 into 10 to the power 3. Okay. Answer divided by 1.566 into 100. तो यार आया 508.154. 52 कितना आ रहा है आपका? 508.154 न्यूटन. ये आ गई T2 की वैल्यू. लेकिन T1 कितना होगा? 2.566 into 508.154 from equation number 1. Okay. तो ये निकालिए कितना रहा है अभी T1 into 2.566 1303. यह आ रहा है आपका 1303.904 न्यूटन. दैट इज द वैल्यू ऑफ T1. तो अभी देखिए मैंने T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. मतलब टोटल लोड ऑफ पुली कितना होगा यहाँ पे? टोटल फोर्स और टोटल लोड ऑन पुली यहाँ पे निकालता हूँ मैं. टोटल लोड ऑन पुली दैट इज कैपिटल W इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस वेट ऑफ पुली. ओके. तो T1 की वैल्यू आई है आपकी 1303.904 प्लस T2 की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पे 508.154 प्लस अभी ये वेट ऑफ पुली कितना गिवन था आपको? 200 न्यूटन. तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 200 न्यूटन. तो इसको सॉल्व करने के बाद वेट ऑफ पुली जो आएगा2012.058. मैं यहाँ पे लिखूंगा 2012.058 न्यूटन. दैट इज द वैल्यू ऑफ W. मतलब यहाँ पे जो टोटल लोड एक्ट हो रहा है दैट इज द W, ये कितना हो रहा है? 2012.058 न्यूटन. ओके. नाउ इतना वेट यहाँ पे एक्ट हो रहा है तो मुझे क्या निकालना है? अभी बेंडिंग मोमेंट निकालना है. तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा एट दिस पॉइंट? अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, सपोज दिस इज द पॉइंट ए, तो कितना होगा? W इंटू 300. दैट्स वाई अभी यहाँ पे डिफरेंट पुली नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ और मैं लोडिंग डायग्राम भी यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूँ. दिस इज एक्टिंग एज अ लोडिंग डायग्राम. दैट्स वाई W इंटू 300 इज अ बेंडिंग मोमेंट. ओके. तो बेंडिंग मोमेंट M इज इक्वल टू W इंटू L, तो इज इक्वल टू 2012.058 इंटू 300. ये निकालिए अभी कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6036. लिख रहा हूँ यहाँ पे 6036.174 न्यूटन mm. ओके. तो दैट इज द बेंडिंग मोमेंट. नाउ नेक्स्ट जो स्टेप रहता है आपका, दैट इज कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट. Calculate equivalent twisting moment, that is a T is equal to under root m square plus T square. तो m की वैल्यू कितनी आई आपकी? 603.617.4 होल स्क्वायर
प्लस टी की वैल्यू जो आई है आपकी दैट इज 79.577 इंटू 10^3 होल स्क्वायर. सॉल्व दिस. आंसर स्क्वायर प्लस 79.577 इंटू 10^3 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आंसर ये आ रहा है 608 40.2619 न्यूटन mm. नाउ टाउ इज इक्वल टू कितना होता है 16t अपॉन पाई डी क्यूब. टाउ की वैल्यू आपको कितने गिवन है प्रॉब्लम में दैट इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 16 इंटू 608 840.269 अपॉन पाई डी क्यूब. नाउ आई एम डायरेक्टली कैलकुलेट हियर आंसर इंटू 16 डिवाइडेड बाय शिफ्ट ऑफ पाई इंटू 35 शिफ्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ आंसर तो ये आ रहा है 44.579. तो डी की वैल्यू कितनी आई 44.579 mm. तो दैट इज नियरली इक्वल टू 46 mm. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम. तो ये प्रॉब्लम में क्या चेंज था आपको पोजीशन थोड़ा सा कंफ्यूज किया था कि आपको डायरेक्टली पोजीशन नहीं दिया था पुली का. आपको क्या दिया था पुली इज फिक्स्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द बियरिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 mm. इतना ही चेंज था. बाकी पूरा प्रॉब्लम क्या है आपका सेम है. लेकिन इतना भी चेंज आया प्रॉब्लम में तो क्या हो सकते हैं आप कंफ्यूज हो सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आल्सो. ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द शाफ्ट. द यूनिट आउटकम अचीव इन टुडेज लेक्चर आर डिजाइन द पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट लाइक शाफ्ट की एंड कपलिंग. समरी ऑफ टुडेज लेक्चर वी डिजाइन द शाफ्ट इन विच वी फाउंड आउट द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. Program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, program specific outcome are PSO1, PSO2, PSO3. The next problem on the shaft is design a shaft to transmit power from an electric motor to a lathe headstock by means of a belt drive. The pulley weighs 200 Newton and is located at 300 from the center of bearing. The diameter of pulley is 200 mm and the maximum power transmitted is 1 kW at 120 rotation per minute. The angle of lap of the belt is 180 degree and coefficient of friction between the belt and pulley is 0.3. The allowable shear stress in the shaft may be taken as 35 Newton per mm square. In next lecture, we see the next problem on shaft. Thanks for any query, contact to this number.